हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक बाय अंजना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी मेदू वड़ा की रेसिपी। अक्सर ऐसा होता है कि मेदू वड़ा हम बनाते हैं और हमारा मेदू वड़ा सॉफ्ट नहीं बनता, अंदर से स्पॉन्जी नहीं बनता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है और वो टेस्ट हमें नहीं मिल पाता जो साउथ इंडिया में आपको होटल में मिलता है, वो टेस्ट आपको नहीं मिल पाता है। आज मैं आपके सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देने वाली हूँ और इतना बढ़िया, इतना स्पॉन्जी, इतना जालीदार आपका बनेगा मेदू वड़ा, बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर के, बिना केमिकल्स के, इतना बेहतरीन बनेगा कि एक बार आप बनाएंगे तो ये रेसिपी आप ट्राई करना चाहेंगे। हालांकि आपने सांबर वड़ा तो बहुत खाया होगा, पर जो वड़ा बनाते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से क्रिस्पी नहीं बनता और अंदर से अच्छे तरह से कुक नहीं होता। सारी प्रॉब्लम आज सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप भी मेरे तरह इतना बेहतरीन सांबर वड़ा बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे 2 कप उड़द दाल लिया था जिसको मैंने ओवरनाइट सोक किया। अब इसको धोकर इसका पानी हटा लेना है। अब लिया यहाँ पे 2 लहसुन लिया है, 4-5 हरी मिर्च लिया है, 4-5 सूखी लाल मिर्च लिया है और 2 टेबलस्पून के करीब जीरा लिया है। इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इन सबको डाल लिया मैंने और 1/2 कप पानी ऐड किया और इसको ग्राइंड कर लिया। तो देखिए इसका इस तरह से थिक हमें बैटर तैयार करना है, बिल्कुल ऐसा। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कंसिस्टेंसी कैसा है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और हींग ऐड कर दीजिए जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा होगा, और उड़द दाल थोड़ा सा पेट में इश्यू करता है तो हींग से क्या होगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, टेस्ट भी एनहांस होगा। अब देखिए इसे हाथों से इस तरह से मिलाइए ताकि इसमें एयर्स आए। और जो मैं कह रही हूँ ना कि अक्सर आपका मेदू वड़ा क्रिस्पी नहीं बनता, स्पॉन्जी नहीं बनता, वो सारे इश्यूज इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो हाथों से इस तरह से मिलाइए और ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा लिया है और ये देखिए किस तरह से करना है। पहले तो साइड साइड से इसका जो है हम साइड्स इवन कर लेंगे और सेंटर में हम अपने फिंगर से इस तरह से होल्ड करेंगे, ये देखिए, और इसको ध्यान से धीरे से ऐसे हम टर्न करेंगे। ये देखिए, बस ऑयल लगा लीजिएगा तो ये आसानी से स्लिप हो जाएगा हाथों में, ये देखिए, और जल्दी से इसको पैन में देखिए इस तरह से डाल देंगे। तो शेप तो परफेक्ट आ गई, आप देखिए इसी तरह से करके मैंने सारा बनाया है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर के आपको इतना जालीदार आपको मेदू वड़ा बन के भी मिलेगा, साथ साथ इसमें शेप की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस फ्लेम का ध्यान रखें कि फ्लेम को पहले हाई करिएगा और जब आप फ्राई कर रहे हो तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा। इन सब बातों का ध्यान रखें और देखिए कुछ इस कलर आने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है और फ्राई कर इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए सांबर वड़ा के लिए मैंने सांबर की रेसिपी आपसे शेयर की है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ साथ मैं आई बटन पे भी दे दूंगी और अपने एंड स्क्रीन में भी दे दूंगी, तो वहां से आप सांबर की रेसिपी चेक कर लीजिएगा। उसी सांबर को यहाँ यूज कर रही हूँ। तो वो जो सांबर की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है वो मेरे एक फ्रेंड है साउथ इंडिया से, उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे साउथ इंडिया में सांबर को बनाने के लिए कैसे मसालों का यूज किया जाता है, क्या क्या क्वांटिटीज होती हैं। तो हर एक वैल्यू मैंने आपको अच्छे तरह से बताया है ताकि आप भी होटल स्टाइल वाला जो साउथ इंडिया तरीका है उस तरह का आप सांबर वड़ा बनाकर तैयार कर सकें। तो आप देखिए अब कुछ नहीं करना हमें, ये देखिए इस तरह से हम डाल लेते हैं और इसे सोक कर लेते हैं। तो देखिए मेरे सोक करने पे आपको पता चलेगा कि हमारा जो मेदू वड़ा बना है, जो सांबर का वड़ा बना है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और इसको तोड़ने में भी इशू नहीं आएगा। मैं आपको स्पून से ही आपको कट करके दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि किस तरह से ये आसानी से कट हो जाएगा। आप देखिए कितना अच्छे तरह से सोक भी हो चुका है, एब्जॉर्ब कर लिया इसने सांबर को, इसका मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है बिना बेकिंग सोडा और बिना बेकिंग पाउडर के। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, इसको कट करने में बिल्कुल इशू नहीं आएगा, बहुत ही आसानी से आपका ये देखिए टूट जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्पून से। और ये देखिए कितना आसानी से टूट गया है, मेरे तोड़ने से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना स्पॉन्जी और कितना ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है। तो ये सांबर वड़ा रेसिपी आप जरूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।